नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक और कमाल की मूवी के साथ, जिसका नाम है क्वीन ऑफ हार्ट्स, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक माँ का अपने बेटे के साथ ही अफेयर शुरू हो जाता है और उनके बीच क्या क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूवी के शुरू होने पर हम एनी नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि एक लॉयर होती है। एनी के हस्बैंड का नाम पीटर होता है और उनकी दो बेटियां भी होती है। असल में एनी पीटर की दूसरी बीवी होती है और पीटर की पहली बीवी का नाम रेबेका होता है, लेकिन अभी पीटर और रेबेका साथ नहीं है और दोनों का डिवोर्स हो गया है। पीटर को रेबेका से एक बेटा भी हुआ था, जिसका नाम गुस्ताव था। एक बार पीटर गुस्ताव को अपने पास रहने के लिए बुलाता है। भले ही पीटर और रेबेका का डिवोर्स हो गया था, लेकिन अभी भी पीटर अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एनी की दो बेटियां उसका वेलकम करती है और उसे किचन गिफ्ट करती है। गुस्ताव को यहाँ पर देख पीटर बहुत ज्यादा खुश होता है। गुस्ताव ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि वह अपने पिता और अपनी स्टेप मॉम से गुस्सा था। उसे लगता था कि एनी की वजह से उसके फादर ने उसकी माँ को छोड़ा था। दूसरे दिन एनी अपनी बहन लीना से मिलती है और गुस्ताव के बारे में उसे सब कुछ बताती है। और जब वो लीना से मिलकर घर आ रही होती है, तब उसे रास्ते में एक चेन पड़ी मिलती है। एनी उसकी चेन को उठाती है और देखती है कि ये वही की चेन है जो उसकी बेटियों ने मिलकर गुस्ताव को दी थी। अब एनी उसकी चेन को अपने पर्स में डालकर घर आ जाती है। एक बार जब एनी घर आती है तो देखती है कि पीटर और गुस्ताव का झगड़ा चल रहा है। असल में गुस्ताव को उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था और इस बात पर गुस्ताव और पीटर झगड़ रहे थे। अब पीटर गुस्ताव को लेकर परेशान होने लगता है, तो एनी उसे कहती है कि वो गुस्ताव को फैमिली के साथ घुलने मिलने के लिए थोड़ा समय दे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जब एक बार एनी अपने काम पर से घर वापस आती है, तो देखती है कि उसके घर की कांच टूटी हुई है और उसके घर में चोरी हुई है। ये देखकर एनी शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर चोरी करी किसने। फिर वो पुलिस को इस चोरी के बारे में कंप्लेन करती है। कुछ दिन बाद जब एनी गुस्ताव का पेंट धोने वाली होती है, तब उसे गुस्ताव के पेंट से की चेन मिलती है। ये वही चेन थी जो एनी को रास्ते में मिली थी। जैसे ही वो घर आता है, एनी उसे की चेन दिखाकर चोरी के बारे में पूछती है। पहले तो गुस्ताव एनी की कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब एनी उसे पुलिस की धमकी देती है तो गुस्ताव डर जाता है और वो अपनी गलतियां मान लेता है कि उसने ही एनी के घर पर चोरी करी थी। अब एनी गुस्ताव के साथ एक डील करती है कि अगर वो उसके फैमिली के साथ मिलकर रहेगा तो वो ये चोरी वाली बात पुलिस को नहीं बताएगी। अब धीरे धीरे गुस्ताव भी अपनी फैमिली के साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगता है। पीटर और एनी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। एक रात गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है। यहाँ पर गुस्ताव एनी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है और फिर दोनों ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दोनों अपने कमरे में इंटीमेट होते हैं और जब एनी उन दोनों की आवाज़ सुनती है, तब वह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। उसी रात एनी अपनी बॉडी को आईने के सामने देखती है। एक दिन एनी अपनी दोनों बेटियों और गुस्ताव के साथ स्विमिंग करने आती है। अब धीरे धीरे गुस्ताव सबके क्लोज आ गया था और सब उसे पसंद करने लगे थे। उसी रात को एनी और गुस्ताव के बीच काफी सारी बातें होती हैं और एनी गुस्ताव को बताती है कि उसे उसका टैटू बहुत पसंद है और फिर गुस्ताव उसके हाथ में सेम टैटू बना देता है। अगले दिन पीटर अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है। यहाँ पर उसके कई सारे दोस्त आते हैं। पीटर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और एनी बोर हो जाती है। फिर एनी साइड में आकर अकेले में बैठ जाती है। अब गुस्ताव एनी को अकेले देखकर उसके पास आता है। फिर दोनों बार चले जाते हैं। फिर दोनों बार में ड्रिंक करते हैं। तभी बातों ही बातों में एनी अचानक से गुस्ताव को किस कर लेती है। किसके बाद गुस्ताव एनी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन एनी उसका ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। फिर एक रात जब एनी को नींद नहीं आ रही होती है, तब वो गुस्ताव के कमरे में जाती है। यहाँ पर फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब एनी और गुस्ताव क्लोज आ गए थे और दोनों अक्सर इंटीमेट होते थे। इधर पीटर को लगता था कि गुस्ताव फैमिली में घुल मिल रहा है और इस बात से वो बहुत खुश भी था।
एक बार गुस्ताव एनी से कुछ पर्सनल बातें पूछता है और उसे एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर लेता है। अब एक दिन जब एनी के घर में उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, तब गुस्ताव एनी को अकेला देख उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से उन दोनों को किस करते एनी की बहन लीना देख लेती है। जब एनी लीना को देखती है तब वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसे लगने लगता है कि लीना इसके बारे में सबको बता देगी, और लीना बिना किसी को कुछ कहे उस पार्टी से घर चली जाती है। अब पार्टी में एनी टेंशन में रहती है और वो गुस्ताव को इग्नोर करने लगती है। फिर पार्टी के दौरान गुस्ताव एक बड़े से पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर सब लोग उसे नीचे उतरने को कहते हैं, लेकिन तभी गुस्ताव उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहाँ पर मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। जब पीटर गुस्ताव के पास आता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है और सबको बताता है कि ये सब बस एक प्रैंक था, लेकिन ये बात पीटर को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर गुस्ताव को सुना देता है। अगले दिन एनी और गुस्ताव अकेले में मिलते हैं और एनी गुस्ताव के साथ अपना अफेयर खत्म कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो डर गई थी और उसे टेंशन हो रही थी कि अगर सबको इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो सब क्या कहेंगे। ये सब होने के बाद एनी जब घर आती है तो पीटर और गुस्ताव को बात करते देखती है। पीटर गुस्ताव को अपने साथ कैंपिंग पर जाने को कहता है और गुस्ताव मान जाता है। असल में पीटर ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो गुस्ताव के क्लोज आकर उसे और भी अच्छे से समझ सके। जब गुस्ताव अंदर जाता है तब पीटर एनी को बताता है कि उसे लीना का कॉल आया था, लेकिन वो समय पर कॉल नहीं उठा पाया। ये सब सुनकर एनी को टेंशन होने लगती है और उसे लगता है कि लीना ने पीटर को सच्चाई बताने के लिए ही कॉल किया था। वो लीना के घर जाती है। यहाँ वो लीना को बताती है कि उसने गुस्ताव के साथ रिश्ता तोड़ दिया है और वो पीटर को उन दोनों के बारे में ना बताए, लेकिन लीना उससे बहुत गुस्सा थी और वो एनी को वहाँ से चले जाने को कहती है। अब एनी और भी ज्यादा डर गई थी और उसे हर वक्त इस बात की टेंशन होने लगती थी कि कहीं लीना पीटर को सब कुछ बता ना दे। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एनी का डर खत्म ही नहीं होता। फिर पीटर और गुस्ताव कैंपिंग से वापस घर आते हैं और उसी रात पीटर एनी से बात करता है और उसे बताता है कि उसे गुस्ताव और उसके अफेयर के बारे में पता है। असल में पीटर को ये बात लीना ने नहीं बल्कि खुद गुस्ताव ने बताई थी। एनी को पता चलता है कि गुस्ताव ने इन सब के बारे में पीटर को बता दिया। तब वो पीटर से कहती है कि गुस्ताव झूठ बोल रहा है और वो उन दोनों का डिवोर्स करवाना चाहता है ताकि पीटर उसकी माँ रेबेका के पास वापस चला जाए। अब पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, और इस बात से एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि पीटर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। तो एनी इस घर से चले जाने का भी फैसला लेती है। एनी पीटर को ये भी बताती है कि उस दिन जब उनके घर में चोरी हुई थी तब वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुस्ताव ने की थी। ये जानकर अब पीटर एनी के साइड हो जाता है और उसे सच में लगने लगता है कि गुस्ताव झूठ बोल रहा था। अब जब एनी ने खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया था तब गुस्ताव के कमरे में जाकर उसका टेप रिकॉर्डर तोड़ देती है ताकि गुस्ताव के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। अब एक दिन पीटर गुस्ताव और एनी तीनों साथ मिलकर इस बारे में बात करते हैं। गुस्ताव को जब पता चलता है कि उसके फादर को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने का फैसला लेता है। जाने से पहले गुस्ताव गुस्से में आकर एनी के मुंह पर भी थूक देता है। उसके बाद गुस्ताव उस घर को छोड़कर एक बोर्डिंग स्कूल चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन पीटर को अभी भी गुस्ताव की याद आ रही होती है और वो अभी भी अपने बेटे को मिस करता था। एक दिन गुस्ताव एनी से मिलता है और वो एनी को बोलता है कि अगर वो पीटर को सब कुछ सच नहीं बताएगी तो वो उस पर सेक्सुअल अब्यूज का केस कर देगा। ये सब सुनकर एनी गुस्ताव को बताती है कि वो कभी भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएगा, और ऊपर से एनी बहुत बड़ी लॉयर भी थी। ये सब जानकर गुस्ताव को बहुत खराब लगने लगता है और वो रोने लगता है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और क्रिसमस का दिन आता है। क्रिसमस के टाइम एनी अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। उसी रात जब एनी और पीटर सो रहे होते हैं तब गुस्ताव उसके घर पर आता है। एनी उसके पास आती है तो गुस्ताव उसे बताता है कि उसे उसके फादर पीटर से मिलना है, लेकिन एनी गुस्ताव को मना कर देती है और वो उसे पीटर से नहीं मिलने देती। गुस्ताव को बहुत दुख होता है और वो वहीं रोड पर रोने लगता है। एनी उसे इस हालत में छोड़कर घर वापस आ जाती है। कई दिन बीत जाते हैं
और एक बार एनी अपने घर पर खुद की बर्थडे पार्टी रखती है। इस पार्टी में एनी की बहन लीना भी आई हुई होती है। इस पार्टी के दौरान पीटर को रेबेका का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि गुस्ताव अपने स्कूल में नहीं है और उसे क्रिसमस के बाद से किसी ने नहीं देखा है। पीटर इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि गुस्ताव उन लोगों के साथ फिर से कोई प्रैंक कर रहा है। जब एनी को इन सब के बारे में पता चलता है, तब उसे टेंशन होने लगती है, क्योंकि क्रिसमस की रात को उसी ने आखिरी बार गुस्ताव को देखा था। अब पुलिस भी गुस्ताव को खोजने में लग जाती है और इस बात से एनी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर एक रात पीटर जब घर आता है, तब वो बहुत दुख में होता है और एनी जब उसे पूछती है कि क्या बात है, तब वह एनी को बताता है कि पुलिस को गुस्ताव की डेड बॉडी मिली है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। असल में क्रिसमस की रात के बाद गुस्ताव उस लोकेशन पर गया था जहां पर पीटर और वो कैंपिंग करने गए थे। यहां पर वो पीटर का करीब 2 महीने तक वेट करता है, ताकि जब पीटर वहां पर आए तब वो उससे बात कर सके। लेकिन इस साल उस कैंपिंग वाली लोकेशन पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ठंड के कारण उसकी मौत हो जाती है। जब पीटर रो रहा होता है, तब एनी उसे सहानुभूति देने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो एनी का मुंह दबाकर उसे शांत रहने को कहता है। असल में पीटर एनी पर इस बात से गुस्सा था, क्योंकि उसके कहने पर ही उसने गुस्ताव को अपने से दूर रखा था। फिर अगले दिन पीटर, एनी और उसकी बेटियां तैयार होकर गुस्ताव के फ्यूनरल पर जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।